हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गिरवाले क्लासेस भाई वाले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के एक डेरिवेशन की, जो कि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक एग्जाम में लगभग ये 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का होता है? लगभग ये 5 नंबर का होता है। और 5 नंबर की तैयारी के लिए आप लगातार कंप्लीट वीडियो देखिए। वीडियो जब भी देखें तो ईमानदारी से देखें, और वीडियो को मैं एकदम सरल, सटीक और सिंपल ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। एक एक पॉइंट को मैं लिखा हूं और आराम से समझाऊंगा कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे क्या करना है, कौन से पॉइंट को कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो आपको देते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला है, यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या डाला है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, उसको मुझे क्या करना है, क्या करना है? मतलब मैंने यहाँ लिखा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, ठीक ना? तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इंटेंसिटी वो हो रही है, ठीक है, उसी को मुझे ज्ञात करना है। यहाँ पर उसकी पहले हेडिंग को मैं बता रहा हूँ। पहले हेडिंग क्या दिया गया है? पहला हेडिंग सिंपल शब्दों में दिया गया है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ये कौन सी स्थिति है? ये अपनी है अक्षीय स्थिति, ठीक है, याद रखें। क्योंकि 5 नंबर का जब आएगा, एक अक्षीय स्थिति में आता है और दूसरा जो आता है वो निरक्षीय स्थिति में आता है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति देखते हैं। मैंने यहाँ पर साफ साफ फिगर बनाया है। सबसे पहले मैं फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिगर में क्या चीज़ है। फिगर में यहाँ पर देखिए, एक ये बना है ए और बी। ये ए बी जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज़ है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है। क्या चीज़ होता है? सिस्टम। उस सिस्टम में क्या चीज़ होता है? एक तरफ माइनस आवेश होता है, एक तरफ प्लस आवेश होता है, और उनके बीच की दूरियाँ जो होती है वो टूएल होती है। उनके बीच की दूरी कितनी होती है? टूएल। और इसका एक मध्य बिंदु कैपिटल ओ है। मतलब आधी दूरी एल है, आधी दूरी एल है। पूरी टोटल दूरी अगर हम मिलाकर हम बात करें तो पूरी दूरी यहाँ पर अपने पास है 2L। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक 2L है। मतलब वैद्युत आघूर्ण बराबर, यहाँ पर P बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर क्यू गुड़े होता है 2L। क्या होता है? क्यू गुड़े क्या होता है? 2L। मतलब आपको याद होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या चीज होता है? वैद्युत द्विध्रुव। फिर से सुनिए, दोनों आवेश, यहाँ एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों आवेश में से एक आवेश लेना है और उनके बीच की दूरी जो 2L है उसको लेना है। इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर आपको इसका डिफिनेशन या परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश उनके बीच की अल्प दूरी का गुणनफल क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर फिगर मैंने अभी मैंने वैद्युत द्विध्रुव, अच्छा, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय मतलब अक्षीय स्थिति में, इसी के अक्षीय स्थिति में यहाँ पर एक बिंदु क्या है? कैपिटल पी है। यहाँ पर एक बिंदु क्या है? कैपिटल पी है, और कैपिटल पी है यहाँ पर एक पर, एक तरफ यहाँ पर ई टू है और एक तरफ यहाँ क्या है? ई वन है। ई टू मतलब ये, ई टू मतलब दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई वन मतलब पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, यहाँ ओ देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? ओ, और ओ से स्मॉल आर दूरी पर, ओ से स्मॉल आर, देखिए दूरी कितनी लिखी है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहीं पर मुझे क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहीं पर मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब हम ओ से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बिंदु पी है। अच्छा, अब ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल एल है, तो मतलब अगर मुझे यहाँ से दूरी निकालना, ये टोटल आर है और इतना एल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की केवल अगर इतनी दूरी निकालना है तो ये पूरा आर है, और आर में से एल को निकाल दें तो कितना हो जाएगा दूरी? आर माइनस एल। कितनी दूरी हो जाएगी? आर माइनस एल हो जाएगी, यही दूरी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, इतनी दूरी अपने पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर है, और इतनी दूरी एल, जब टोटल ले लेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर प्लस एल हो जाएगा। तो मुझे आशा है आपको फिगर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार फिर से आगे करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया है। थोड़ा सा ये दूरी समझने की बात है, मतलब ये जो बीच वाले बिंदु से ओ से मैंने आर यहाँ तक दिया है, अगर मैं इतनी और इतना एल है, अगर मैं इतने दूरी की बात करूँगा तो टोटल में से एल निकाल दें तो आर माइनस एल हो जाएगा, और इतनी दूरी में से अगर इतना एल जोड़ दें तो आर प्लस क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आया। चलिए आगे हम बताते हैं फिगर के बारे में क्या क्या चीज़ लिखना है। सबसे पहले फिगर बारे में आप देख लीजिए, चित्र में आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव। चित्र में क्या चीज़ है? चित्र के बारे में एक्सप्लेन कर लीजिए, चित्र में क्या चीज़ है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। इस पर एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इनके बीच की जो अल्प दूरी है 2L है, इनके मध्य बिंदु क्या है? वो है। अच्छा, इसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? कैपिटल पी है, ठीक है।
आपको लिखना है, आप कैसे कैसे लिखेंगे। पॉइंट नंबर वन आप सोचिए, ठीक है, लिखेंगे चित्र में एक वैद्युत ध्रुव है। चित्र में क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है, ए बी है, एक तरफ माइनस क्यू आवेश है, एक तरफ प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इनके बीच की दूरी अल्प, इनके बीच अल्प दूरी टू एल है। इसी के अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, उसकी दूरी पर कैपिटल पी है, ठीक है। कैपिटल पी के दोनों तरफ जो है ई टू और क्या है ई वन है। अच्छा, स्मॉल आर दूरी पर यह बिंदु कैपिटल पी है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल है, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु की पी की दूरी क्या है, आर प्लस एल है। चलिए हम इसको लिखे फॉर्म में दिखा देते हैं, आप कैसे कैसे क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ठीक है, चित्र में एक वैद्युत ध्रुव ए बी, ठीक है, के प्राबद्धतांक वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू गुलाम आवेश से बना हुआ है, जिनके बीच अल्प दूरी क्या है, टू एल है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, कैपिटल पी है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, मुझे ज्ञात करनी है। फिर मैंने पॉइंट पॉइंट करके लिखा है, जिससे आप पॉइंट भूले ना, आप पॉइंट पॉइंट करके नहीं लिखेगा, मैंने सरल करने के लिए लिखा है, सिंपल शब्दों में लिखा है, ठीक है। माना वैद्युत ध्रुव के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कैपिटल पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वन है, और माना वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई टू है। अब बिंदु कैपिटल पी की आवेश प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण या प्लस क्यू से दूरी क्या है, आर माइनस एल है, और माइनस क्यू से दूरी क्या है, आर प्लस एल है। मैंने यही चीज आगे फिगर में समझाने का प्रयास किया। चलिए, मुझे समझ में आया है और फिगर के साथ आपको ये भी समझ में आया जो मैंने पॉइंट लिखा है। चलिए आगे बताते हैं, आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। मैंने यहाँ पर लिखा है ई वन, क्या लिखा है, ई वन। ई वन का क्यों लिखा है, ई वन इसलिए लिखा है क्योंकि ई वन का मान होगा एक बटे फोर पाइव सनट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्यू अपान, ये कैसे आया है हम फिगर से आपको बताते हैं, ठीक है। ई वन, ई वन का मान मैंने लाया है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास क्या है, ई वन, ई वन है, और ये किसके लिए आया, माइनस क्यू आवेश के लिए। ई वन किसके लिए आया है, माइनस क्यू आवेश के लिए आया, और ई टू किसके लिए आएगा, प्लस प्लस क्यू आवेश के लिए। तो यहाँ पर ई वन का मान आया है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ई टू का मान हमने लिखा है वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर फिगर में देखे होंगे, ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर, ये इस फिगर में देखिए, ये दोनों विपरीत है, क्या है, ये विपरीत है। अगर विपरीत दिशा में होंगे तो माइनस होंगे, मतलब ये विपरीत दिशा माने एक इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत, माने दोनों दो दिशा में, अलग अलग दिशाओं में, एक दूसरे के उल्टी दिशा में है, ठीक है। मतलब एक अगर पूर्व में है तो दूसरा पश्चिम में है, ठीक है। तो अगर ऐसे हैं तो वहां पर अंतर होगा, अगर दोनों एक ही दिशा में है तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ लिखा गया है चूंकि तीव्रताएं, ठीक है, यहाँ पर है सिस्टम, देखिए ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए, आपको पूरा पूरा समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तीव्रताएं ईवन व क्या है, ईवन व ई टू एक ही दिशा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है, मतलब एक ही दिशा के अनुदिश है लेकिन क्या है, वो उनके विपरीत दिशाओं में है। अतः, ठीक है, कैपिटल पी पर परिणामी तीव्रता कैपिटल ई बराबर ईवन माइनस ई टू, मतलब इनके अंतर की क्या होगी, बराबर होगी, इनके अंतर क्या होगी, बराबर होगी। और यहाँ पर ये जो ईवन है बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि जिसका हर छोटा होता है वो क्या होता है, वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये क्या है, बड़ा है। तो ईवन, ईवन क्या है, बड़ा है किससे, ई टू से। मुझे आशा है यहाँ तक एकदम समझ में आया है, ठीक है। आपको ईवन का मान पता हो गया, आपको ई टू का मान पता हो गया, आपको वे पता हो गया कैपिटल ई बराबर ईवन माइनस ई टू, मुझे यहाँ तक कन्फर्म है, आपको पूरा पूरा आया है। चलिए आगे लेकर चलते हैं, आगे क्या चीज़ है, आगे यहाँ पे है कैपिटल ई बराबर ईवन माइनस ई टू, है ना। ईवन के स्थान पे मान लिखेंगे एक बटे फोर परसेंट कैपिटल के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपान फोर परसेंट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। मैंने ईवन का मान भी रख दिया है और मैंने ई टू का मान भी क्या किया, रख दिया है। अच्छा, अब आप सोचें, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या सोचना है, यहाँ पे आपको ये सोचना है दोनों में क्यू है, ये कॉमन हो गया, दोनों में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों में है, तो यहाँ पे ये कॉमन हो गया, ये क्यू है, ये भी क्यू है, और यहाँ पर ये दोनों, ये कॉमन हो गया। बचा क्या है, यहाँ पे एक बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है, और यहाँ क्या बचा, एक बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, अब क्या हुआ, इसका गुणा यहाँ हो गया और इसका गुणा यहाँ हो गया, इसका गुणा यहाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इसका गुणा जो है इसके साथ हो गया है, और इसका गुणा हुआ इसके साथ, और इसका गुणा इसके इसके साथ हो गया, तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन कैपिटल के, और इसका गुणा यहाँ होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन कैपिटल के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आर स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल अपान, ये जो है ये आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर दोनों एक साथ करके इस पे स्क्वायर लगा दिया, मतलब आर माइनस एल आर प्लस एल, इसका क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फार्मूला आप पढ़े होंगे,
ए ब्रैकेट में माइनस बी ब्रैकेट में प्लस बी, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का क्या लग गया फिर स्क्वायर लग गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आता तक। अच्छा अब क्यू अपान फोर फाइव एल नॉट के, देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, ये माइनस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला इससे कट गया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस कट गया, टू आर एल मिलकर कितना हो गया फोर आर एल, क्या हो गया यहाँ पर फोर आर एल, तो यहाँ क्यू अपान फोर फाइव सेवन नॉट फोर आर एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वन अपान फोर फाइव सेवन कैपिटल के टू एल, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो फोर आर एल है मैंने टू आर अलग कर दिया, और टू आर के बाद मेरे पास क्या बचा टू एल बचा, टू आर गुणे टू एल, और यहाँ से क्यू ले लिया, देखिए फोर आर एल को, फोर आर एल को मैंने क्या लिखा है, फोर आर एल को मैंने लिखा है, फोर आर एल को लिखा है मैंने टू आर गुड़े टू एल लिखा है, और टू एल को मैंने एक साथ ले लिया, टू आर अलग कर दिया। अच्छा क्यू इंटू टू एल, मैंने आपको बताया था ना ये वैद्युत ध्रुव होता है, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू टू एल, कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी, ये किसके बराबर हो गया, ये पी के बराबर, ये किसके बराबर है पी के, हमने स्टार्ट में बताया था पी बराबर होता है, ठीक है, क्यू गुड़े क्या होता है टू एल होता है, क्या होता है क्यू गुड़े टू एल होता है, मैंने इसको रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया एल का मान आर की तुलना में क्या है बहुत कम है, ठीक है, आप जब फिगर देखे थे आर की अपेक्षा यल क्या है बहुत छोटा है, चलिए हम फिगर में दिखाते हैं, यल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा जी, देखिए यल इतना छोटा है, मतलब यल यहाँ से यहाँ तक है, और ये टू एल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एल की बात कर रहा हूँ, यल का मान, ठीक है, आर इतना बड़ा है और यल क्या है तो R के आगे स्मॉल l बहुत छोटा है, और अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो राशियां छोटी होती है उनका स्क्वायर करने पर और वो छोटा होता जाता है, ठीक है, तो हम आगे लेकर चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। तो L का मान R की तुलना में बहुत कम है, तो L स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा नगण्य माना जाएगा, तो कैपिटल E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया इसके स्थान पर, इसके स्थान मैंने लिख दिया 2p, क्या इसके स्थान मैंने क्या लिख दिया p लिख दिया, ये क्या है p के बराबर p लिख दिया, और 2r यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया जब l छोटा हो गया तो l को क्या लिख देंगे, l बराबर लिख देंगे 0, जब l बराबर यहाँ 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर दो दुनाई क्या हो गया 4, इस r से ये r क्या हो गया कैंसिल, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा 2p, अब बटे के r की पावर 4 था, एक r कट गया r की पावर 3 बचा, यही हमारा क्या है, यही हमारा अभीष्ट समीकरण है, यही हमारा क्या है अभीष्ट समीकरण है, अक्षीय स्थिति में क्या है अक्षीय स्थिति में। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है निर्वात अथवा वायु के लिए कैपिटल के बराबर एक, ठीक है, तो ई बराबर कैपिटल के स्थान पे एक लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बटे आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या चीज होता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पर देख लीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9.0 गुणे 10 घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये मान याद रखें क्योंकि इसी मान का प्रयोग जो होता है हमारे क्या होता है न्यूमेरिकल में होता है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है, और आप हाँ डेली क्लास को तैयार रखा करें, डेली तैयारी किया करें, ठीक है, अगर वीडियो को आप ऑन करते हैं तो पूरा देखा करें, नहीं तो आधे अधूरे ज्ञान से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।